नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं। कांग्रेस फाइल्स एपिसोड 2, एक छोटी सी वीडियो लेकिन उसका असर इतना बड़ा कि कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस के लीडरशिप वाले यूपीए शासन काल में हुए घोटाले पे कांग्रेस फाइल्स का दूसरा एपिसोड जारी कर दिया है। ट्विटर पे ये जो वीडियो है 2 मिनट लगभग 53 सेकंड का है और इस वीडियो में यस बैंक के उस समय के चेयरमैन राणा कपूर पर दबाव डाल करके 2 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीदने का मुद्दा उठाया गया है। इस एपिसोड में बीजेपी ने यह भी बताया है कि किस तरीके से राणा कपूर को प्रियंका गांधी MF हुसैन की एक पेंटिंग 2 करोड़ में खरीदने के लिए मजबूर कर रही है और इन रुपयों का इस्तेमाल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के इलाज में किया गया। राणा कपूर ने यह भी माना कि उस समय के पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवगौड़ा ने ये कहा था कि उन्हें अगर उन्होंने ये मना किया, ये जो उनके सामने प्रस्ताव था, अगर उन्होंने ये मना किया तो गांधी परिवार के साथ उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे। और मुरली देवगौड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा ने भी इस पेंटिंग को खरीदने के लिए राणा कपूर के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया, दबाव बनाया। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अनिल गुप्ता जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कांग्रेस के ये जो संस्थागत भ्रष्टाचार का है, इसका इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि एक बैंकर को 2 करोड़ रुपए में एक पेंटिंग खरीदने के लिए प्रेशराइज किया जाता है, मजबूर किया जाता है और उसे पद्म अवार्ड का आश्वासन दिया जाता है। इससे ये पता चलता है ना कि देश को बेचने में कांग्रेस ने कोई भी मौका नहीं गवाया। क्या कहते हैं आप सर इस पूरे इस पे एपिसोड पे? देखिए, अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो जी हम सबको पता है कि 1947 में देश आजाद हुआ जी और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, जी लेकिन कांग्रेस की सरकारें राज्यों के अंदर 1937 में ही आ चुकी थी। जी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत जी 1937 में पहले चुनाव कराए गए थे और अधिकांश राज्यों में, देश भर में, कांग्रेस की सरकारें आ गई थी जी और कांग्रेस को के मुंह, जिसे कहते हैं ना, उस सत्ता के मुंह मुंह में करप्शन का खून लगने की आदत तो तभी से पड़नी शुरू हो गई थी। जी उसी टाइम जो सरकारी खरीद होती थी उनमें कमीशनबाजी, और उसके बाद तुरंत बाद 2 साल बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई। उसमें भी सप्लाईज के लिए बहुत ज़्यादा कमीशनबाजी चली, तो वो करप्शन तो 1937 से ही शुरू हो गया था और 47 तक आते आते, हालांकि बहुत लंबे टाइम तक वो गवर्नमेंट सब नहीं चल पाई प्रांतों की, लेकिन जो आदत आ गई वो 47 तक आते आते तो पूरी मास्टरी हो गई ना उनकी, तो जी मास्टर इन करप्शन वो जो है हो चुके थे तब तक। जी और जैसे ही मौका मिला उन्होंने दोनों हाथों से सब लोगों को लूटना शुरू कर दिया। लूटने का केवल एक यही तरीका नहीं था कि लोगों से पैसा लिया गया, जो सरकारी योजनाएं बनाई गई उन योजनाओं का भी इम्प्लीमेंटेशन इस ढंग से किया गया जिसमें करप्शन के लिए रास्ते खुले। जो 5 ईयर प्लानिंग की योजना नेहरू जी ने बड़े जोर शोर से शुरू करी थी, जी वो स्टालिन की पंचवर्षीय योजनाओं से प्रेरणा लेकर की गई थी, और स्टालिन की जो पंचवर्षीय योजनाएं थीं तो सोवियत संघ के कड़े नियंत्रण के कारण उसमें से चीज़ें बाहर नहीं आईं, लेकिन उसके अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार था और उसके ऊपर सखाराव पेपर्स के नाम से बुक पब्लिश हुई थी। जी ये जो ग्लासनोस्ट का दौर चला था येल्सिन के टाइम से, उससे बहुत साल जी पहले ही वो किताब छप गई थी, और अंडरग्राउंड पेपर्स सोवियत संघ के अंदर छपते थे जिनको तमीज़दाद और समीज़दाद के नाम से जाना जाता था,
उन पेपर्स के अंदर तमाम एक एक करके स्कैंडल सारे चलते थे। तो जो एक भ्रष्ट योजना से प्रेरणा लेकर यहाँ पर योजनाएं शुरू करी गई, तो उनके अंदर भ्रष्टाचार तो अंतर्निहित था ही। पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारी बनी वो करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए की बनी थी जी। 4,000 करोड़ रुपए का मतलब ये था कि उस टाइम जितने जिले थे देश के अंदर, उनके हिसाब से हर जिले में विकास के लिए करीब करीब 10 करोड़ रुपए का औसत बैठ रहा था जी। जो सरकारी मशीनरी थी हमारी जी, उस सरकारी मशीनरी के अंदर भी जो 1937 से करप्शन का कीड़ा लग चुका था वो फैल गया था, और उनको भी ऐसा लगता था कि भाई इस 10 करोड़ में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, और सबने खूब हिस्सा लेना भी शुरू किया। इसके एक उदाहरण बताता हूँ जी। शुरू में खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई गई कि अधिक अन्न उपजाओ, इसके लिए क्या हो कि किसान कंपोस्ट खाद बनाए जी। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए योजनाएं बनाई गई कि गड्ढे खोदे जाएं, उन गड्ढों के अंदर कंपोस्ट खाद बनाई जाए जी। इतने सारे गड्ढे खुद गए हर गांव के अंदर कि जितना उस गांव का कुल क्षेत्रफल नहीं था उतने गड्ढे वहां खुद गए। उसके बाद में बरसात आई, बरसात में मलेरिया फैला जी। जब सरकार ने कहा कि मलेरिया क्यों फैल रहा, बोले साहब वो गड्ढे जो खुदवाए थे उसमें पानी भर गया, पानी की वजह से मच्छर बहुत पैदा हो गए जी जी, इसलिए मलेरिया हो गया। तो कहा अच्छा चलो अब इन गड्ढों को बंद करवा दो जी। फिर वो गड्ढे बंद करवा दिए गए, मैंने ना गड्ढे खुदे ना बंद हुए, कागज पे खुद गए, कागज पे बंद हो गए, और उनके नाम पर करोड़ों रुपया जो है वो जी जी चार की भेंट चढ़ गया। तो ये ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए गए। तो ये सारी चीजें जो थी ये उस सिस्टम में थी जिस सिस्टम को उन्होंने चलाया, और उन्होंने कभी भी एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने की कोशिश नहीं करी जी, जी। हर चीज के अंदर एक पारदर्शिता आए, अगर उसके अंदर पारदर्शिता आती तो ज्यादा अच्छा होता। जो 5-year प्लानिंग के तहत गांवों के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट की योजना शुरू करी गई, उस कम्युनिटी डेवलपमेंट योजना के अंदर अन्य प्रांतों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर उस टाइम जो गांव में कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए वर्कर्स अपॉइंट करे गए वो महिलाएं थीं, और नाम था ग्राम सेविका। वो ग्राम सेविकाएं वहां पर थीं, मुझे कहीं उसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया, लेकिन मेरा अपना अनुमान यह है कि शायद ऐसा सोचा गया होगा कि वो गांवों के अंदर उन्नति लाने के लिए परिवार को एक इकाई मानकर काम किया जाए, और परिवार में जब संपर्क करेंगे तो परिवार में किसान तो सवेरे चलाता है खेत में, वर्कर जाएगा दिन में घर के अंदर पर महिलाएं रहती हैं, और महिलाओं के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए महिलाएं ही ज़्यादा उपयुक्त होंगी, इसलिए ग्राम सेविकाओं को उसमें रखा गया। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो ग्राम सेविकाएं थीं उनका पूरा शोषण व्यवस्था ने किया जी, और प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक कहावत बन गई कि जीप इज द बोन ऑफ कंटेंशन एंड LW इज द फ्लैश ऑफ कंटेंशन जी जी। तो बाद में 1967 में जब चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनके जो महत्वपूर्ण निर्णय थे, प्रारंभिक निर्णय थे, उनमें एक निर्णय यह भी था कि उस कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ग्राम सेविकाओं को एक कलम से उन्होंने सबको समाप्त कर दिया उनकी सेवाएं जी। उनको जहाँ जहाँ पे खपाया जा सकता था नर्सिंग के सेक्टर में या और दूसरे सेक्टर्स में, वहाँ पर उनको खपाया गया, बाकियों को सबको घर भेज दिया गया जी। तो भ्रष्टाचार हर ढंग से, हर तरह का भ्रष्टाचार इस व्यवस्था ने पनपाया जी। और जैसे कल मैंने बताया था जीप स्कैंडल के बारे में जी जी, तो 600 पाउंड की कुल कैपिटल वाली कंपनी को 2000 जीपों की सप्लाई का ऑर्डर दे दिया गया, जबकि उसे जीपों की सप्लाई का कोई अनुभव नहीं था जी। अभी तो ये भी चीजें सुन का सामने आई हैं कि उस वीके कृष्णा मेनन को हालांकि उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन वीके कृष्णा मेनन ने बाद में कहा है कि उस सब उनके लिए PMO से दबाव डाला गया था जी जी। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जो खुल के सामने आनी शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे आएंगी भी सामने जी जी। उसके बाद में लगातार
एक के बाद एक के बाद एक स्कैंडल होते चले गए और किसी को ही कोई सजा उसमें आम तौर पे नहीं मिली, क्योंकि जब प्रधानमंत्री उस टाइम के खुद भ्रष्ट लोगों को आश्रय दे रहे थे या उनका कार्यालय खुद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व था तो सजा कैसे मिली, और ये भ्रष्टाचार का सिलसिला लगातार चलता चला गया। जी जी। और आज जो है भ्रष्टाचार, अगर ये भ्रष्टाचार ना होता तो लोगों का बहुत बड़ा कल्याण हुआ होता। हमारी जो खेती में वो कंपोस्ट की जगह कागजों पे गड्ढे खोद दिए गए, जी जी, अगर वो कागजों पे खोदने की बजाय वास्तव में जमीन में खुदे होते तो हमें खाद्य संकट की स्थिति ना पैदा होती है? और जो 1965-66 में तो आके कटोरा लेकर हमें वर्चुअली दूसरे देशों से जाके अनाज मांगना पड़ा, वो स्थिति बहुत बुरी स्थिति थी। लेकिन बहरहाल देश के वैज्ञानिकों ने उसमें चुनौती को स्वीकार किया, जी जी, उन्होंने सफल बनाया। लेकिन भ्रष्टाचार ने कोई कसर किसी भी किस्म की किसी फील्ड में नहीं छोड़ी। डिफेंस के मामले में चाहे वो पनडुब्बी घोटाला हो, चाहे वो हवाई जहाज की खरीद में घोटाला हो, और घोटाला केवल ऊपर से ही नहीं नीचे तक भी। पंजाब के एक बड़े प्रसिद्ध मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो जी, जी जी, कहा जाता है कि साहब आज पंजाब को आधुनिक बनाने विकास कर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। जी लेकिन जी। उनके द्वारा जितने करप्शन किए गए और उनके सारे के सारे किस्से जब सामने आ गए तो मजबूर होकर उनको सत्ता से हटाना पड़ा 1964 में। अनिल जी, जिस तरीके से ये राणा कपूर के ऊपर प्रेशर किया गया कि यदि राणा कपूर ने MF हुसैन की पेंटिंग को खरीदने से मना किया तो ना केवल उनसे गांधी परिवार नाराज हो जाएगा, यानी कि उनके रिलेशन खराब हो जाएंगे और उन्हें पद्म सम्मान जो है प्राप्त करने में कठिनाई होगी, तो मतलब ये देखिए कि गांधी परिवार से संबंध बिगड़ने का जो डर दिखाया गया है, जैसे कि वो मतलब राजा है वो, तो ये अपने आप को एज ए राजा इम्पोज करते रहे, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? नहीं, सोच तो सामंतवादी थी ही, सोच तो पूरी तरह से सामंतवादी थी जी। और राणा कपूर को जो कहा गया संबंध खराब हो जाएंगे, जी, ये तो जी। मैं समझता हूँ बड़ी पोलाइट लैंग्वेज है। नहीं, लेकिन आप इसकी गहराई में जाइए तो देखिए ना कितना गहरा मतलब है, कि मतलब वो राजा है, वो नाराज हो जाएंगे तो जाने कि उनकी जिंदगी में क्या तूफान आ जाएगा। इसके पीछे का छुपा हुआ मतलब यही है कि भाई अगर तुम्हें बैंक चलाना है, बिजनेस करना है, काम करना है, तो तुम गांधी परिवार से उनकी अप्रसन्नता नहीं ले सकते जी, उनको तुम्हें प्रसन्न रख के ही चलना पड़ेगा। और केवल ये तो अब की बात है, 80 के दशक में अंतुले कांड हुआ था, याद होगा उस कांड के अंदर क्या हुआ था। उस टाइम पर सीमेंट के ऊपर राशनिंग थी, बिना कोटे परमिट के सीमेंट नहीं मिलता था, लेकिन कुछ सीमेंट सरकारी योजनाओं के लिए जो जाता था उस पर कोई कंट्रोल सरकार का ही केवल रहता था। जी जी। वो सारा सीमेंट प्राइवेट लोगों को बांट दिया गया सरकारी योजनाओं में से डाइवर्ट करके, और उसके एवज में एक ट्रस्ट इंदिरा जी के नाम पर बनाया गया और उस ट्रस्ट के लिए डोनेशन खुलेआम लिया गया। जी जी। बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ और बाद में ये भी पाया गया कि वो जो ट्रस्ट डीड थी उस ऐसा नहीं था कि वो इंदिरा जी की जानकारी में ना हो, उस ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर खुद इंदिरा जी ने अपने दस्तखत किए थे। इस आशय की रिपोर्ट उस टाइम इंडियन एक्सप्रेस में अरुण शौरी जी ने पब्लिश की थी, तो वो सारी चीज़ें सामने आई। अंतुले ने वो सब किया, उसके अलावा और भी लोग पीछे नहीं रहे, और जहाँ जिसको मौका लगा खुली छूट थी। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई, इस व्यवस्था के अंदर करप्ट लोगों को कोई डर नहीं था, और उल्टे दूसरे लोगों को ये कहा गया कि भाई अगर तुम सेवा करोगे तभी तुम्हारे को आगे कुछ करने दिया जाएगा, वरना तुम यहाँ पर काम नहीं कर पाओगे। और जो लोग उनकी इस धमकी के आगे नहीं झुक पाए उनको बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जी जी, है ना। नहीं, एक चीज और हैरान करने वाली है अनिल जी,
जो पद्म भूषण और ऐसे जो सम्मानित अवार्ड हैं उनके लिए क्या इस तरीके की ब्राइब दी जाती थी, जब जैसे ये पेंटिंग को खरीदने की बात आ रही है? बिल्कुल दी जाती होगी। ये तो एग्जाम्पल है, अभी हाल फिलहाल का ही एग्जाम्पल पिछली यूपीए सरकार के ज़माने का ही है, जब अभिषेक मनु सिंघवी जी के ऊपर चरित्र के ऊपर भी आरोप लगे थे जी कि जी किस प्रकार से महिला वकील को वो जज बनवाने का आश्वासन देकर उसका शोषण कर रहे थे। तो ये पूरी की पूरी मशीनरी ऐसी है कि जो हर ढंग से शोषण करने पर आमादा है थी, और आज वो बिलबिला भी रहे हैं इसीलिए कि भाई उनको वो सारी की सारी जो जिसको वो अपना बपौती समझते थे, अपना अधिकार समझते थे, वो अधिकार आज उनसे छिन गया है। उनके ऊपर सख्ती की जा रही है, जांच हो रही है उन सब चीज़ों की, तो अब उनको बेचैनी हो रही है और उनको लग रहा है कि हमें सताया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। कल अपनी अपील दाखिल करने के लिए सूरत में जब पहुँचे शहनशाह हिंदुस्तान है, तो भी उनके साथ में पूरा कुनबा और साथ में जो है तीन तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पूरी फौज गई। तो जज साहब ने कहा कि हर बार ऐसा ही करेंगे, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि भाई आपको हर बार कोर्ट में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर बार ही जाके वहाँ पर अव्यवस्था पैदा करेंगे, जी कानून जी व्यवस्था की स्थिति पैदा करेंगे। जी सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि उनका सोच ही बिल्कुल अधिनायकवादी और सामंतवादी है। जी जी तो अनिल जी, कल हम तीसरे एपिसोड पे बात करेंगे। सेकंड एपिसोड पे कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, सेकंड एपिसोड के अंदर तो केवल एक पेंटिंग का ही मामला दिया है और कोई दिया नहीं है, लेकिन जी धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं और खुल के सामने आ रही हैं। और अब इनको भी यही कहा जाएगा कि साहब हम चूंकि अडानी कांड को उछाल रहे थे, इसलिए हमें ज़बरदस्ती हमारे खिलाफ बदनाम करा जा रहा है, जी जी से लेकर आओ ना, और अगर गलत किया जा रहा है तो जिन्होंने ये जारी करे हैं उनके खिलाफ केस दायर कर दो, हिम्मत जी जी दिखाओ। लेकिन अगर सच जी जी होगा तभी तो दिखाएंगे, जी जी जब जब आरोपों में सच्चाई है तो उसको कैसे झुठलाएंगे। बिल्कुल, तो आज का शो यही समाप्त करते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे शो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, कल फिर हम दर्शकों के सामने उपस्थित होंगे। थैंक्स अनिल जी। तो आपने देखा दोस्तों के ईडी के बाद FATF की रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि राणा कपूर ने ईडी के सामने इस पेंटिंग को लेकर के बड़ा दावा किया था, जैसा कि अनिल जी ने बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि इस पेंटिंग को खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक राणा ने उस मंत्री का नाम भी बताया, जैसा कि हमने चर्चा की, उस समय के पेट्रोलियम मंत्री मुरली देव गौड़ा ने उनसे उनको प्रेशराइज किया गया करा था कि अगर आप पेंटिंग नहीं खरीदेंगे तो आपके रिलेशन जो है वो गांधी परिवार के साथ खराब हो जाएंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको जो सम्मान मिलने वाला था वो भी ना मिले। तो हम कल फिर आपसे चर्चा करेंगे एपिसोड 3 को लेकर के। तो तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिलहाल इतना ही दोस्तों, और एक गुजारिश है मेरी, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इस शो के बारे में अगर वो अपनी कोई राय रखते हैं तो ज़रूर मुझे उससे अवगत कराएं। फिलहाल दोस्तों इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।